आने वाली कौम को क्या कहा? आने वाली कौम को कहा, देखिए आने वाली कौम को जब से तुम ये बात लेके आए तब से जो है ये बातें शुरू हो गई। रात आज भी ऐसा होता है, आजमाइश इम्तिहान अल्लाह के क्या होता है, कोई शराबी हो, शराब पीता हो और जिंदगी गुजार रहा हो, मजे में रहता, मजे में खुशहाल रहता, मजे में रहता, अपनी दुनिया करता, उससे बोले कि शराब छोड़ दो, इत्तेबाद में छोड़ दिया, अब नमाज को भी आने लग गया, अब नमाज को भी आने लग गया, कोई छोड़ दिया इत्तेबाद से, छोड़ दिया नमाज को भी आने लग गया। तो वो शख्स कहता है वो साहब आप जब से बोले हैं शराब छोड़ने के लिए, पहले बड़ा अच्छा था, खाता था, मजे में रहता था, दौलत में हिसाब आती थी, कहां से आती थी पता नहीं, बेहिसाब आती थी, जब से नमाज पढ़ा हूं शराब छोड़ दिया हूं तब से मुसीबत आ गई, तब से बहुत परेशान हूं साहब क्या करूं, जरा गौर करो क्या जवाब देंगे, आप जरा गौर करो। अल्लाह सुभान व तआला की जब आजमाइश आ जाती है, इम्तिहान जब शुरू हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हम नेक अमल कर रहे हैं, नेक अमल करने की वजह से, शराब छोड़ने की वजह से, नमाज नमाज पढ़ने की वजह से मैं मुसीबत में मुब्तला हो गया, जो मेरे पास पहले दौलत आती थी अब नहीं आ रही। ये फलसफा जरा और अजीब सा फलसफा है, अजीब सा अकीदा है हमारा, अजीब सी हमारी कैफियत है। बाज बोलते हैं शायद आप में से भी किसी ने सुना होगा इसके अंदर ऐसी बातें कि ऐसी बातें भी उठने लगती हैं, तो ये फासिल अकीदा, गलत अकीदा, ईमान जाने वाला अकीदा है। मैं जब से शराब पी था अच्छा था, दौलतदार ही थी, जब से नमाज शुरू कर दिया और शराब छोड़ दिया, अब हालत ये हो गई है कि रोजी रोटी रुक गई, जो दौलत पाने वाली थी वो खत्म हो गई, अब मेरी मिल्कियत कम होती जा रही है, इस तरह का अकीदा रखना अपने अपने घर में भी सुधारना है, उनको भी सुधरना है, वो चीजें अकीदा जो रख रहे हैं, वो बातें आपको बता रहा हूँ, अभी आए कहने की पहली मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, कुरान क्या कह रहा है, हदीस शरीफ क्या कह रही है, उस पर हमारा अकीदा और दुनिया वालों पर, वो फलाह हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे, फलाह इस तरह करते थे, तो अपनी जगह है, बुजुर्गों की कदर करो अपनी जगह है, बुजुर्गों की बातों को मानो अपनी जगह है, मगर कुरान और हदीस शरीफा के खिलाफ आ जाए तो हर किसना मानो, उनकी बातों को हर किसना मानो, कुरान और हदीस हमारे पास अहम है, फला बुजुर्ग ने ऐसा किया है, फला हमारे दादा ऐसा करते थे, परदादा ऐसा किया करते थे, हमारे फलाम करते थे, इस तरह का जो अकीदा अपनी जगह है। हम अहले सुन्नत वल जमात इस तेज से बोल रहे हैं, जितने अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख हैं उनके अकीदे हैं, वो अकीदे हम आप हजरात के सामने पेश कर रहे हैं, जितने अहले सुन्नत वल जमात। तो अभी आपको बता रहा था तो उन्होंने क्या कहा, तो हमारी पीर को और रसूलों को क्या कहा, जब से तुम आ गए तब से बारिश नहीं बरस रही है, ये तबलीग अगर नहीं बंद करोगे तो हम पत्थर बरसाएंगे तुम पर। कुरान क्या कहता है, रखो क्या उस बात को तस्लीम कर लिया तुमने, उसको हकीकत बयान किया नहीं, अल्लाह सुभान व तआला का कहा कालू तारीकुम मअकुम, बल्कि तुम्हारी नुसत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी नुसत तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारी बदलाई की वजह से तुम्हारे पास नुसत आ गई है, तुम्हारी बदलदारी की वजह से नुसत आ गई है, गुनाहों के दखल न पड़ने की वजह से नुसत आ गई है, नुसत का इनकार नहीं किया, बदफाली का इनकार नहीं किया, बदफाली है, मगर तुम्हारे अकीदे खराब होने की वजह से, अल्लाह की वहदानियत को न मानने की वजह से, रसूल की रिसालत को न मानने की वजह से, गुनाहों के दखल न पड़ने की वजह से, ये तुम्हारी नुसत तुम्हें लपेटती हुई है, तुम खुद मनहूस बन चुके हो, अपने आमाल की वजह से बन चुके हो, कुरान बयान उसको बयान किया। आई तुम क्यों तुम जब कभी तुम्हें नसीहत की जाती है तो तुम क्या करते हो, जाकर बताते हो, मानते नहीं हो, इनकार कर देते हो, ये तुम्हारी नुसत तुम्हारी वजह से। अब समझ लो कि कोई भी मनहूस नुसत कोई परेशानी आ गई तो समझ लो कि हमारे गुनाहों के दर्द में पसली की वजह से आ गई,
अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश से हमें तो पीछे हटनी थी। दुआ करना है कि परवरदिगार आलम हमें आजमाइश में न मुब्तला करे, नसाइब में मुब्तला न करे। दुआ करना है, दुआ की जा सकती है, मगर ऐसा नहीं है। अब आइए कुरान करीम नेक अल्फाज़ के लिए समझा किया। अब हमारे पास देखो तीन चीजों का तज़किरा आता है हदीस शरीफ में, कितने तीन चीजों का, एक औरत, एक घर, एक घोड़ा। अभी बताता हूं इसके अंदर अगर बहुत सब होती तो इसमें होती, पर लड़े तो नहीं क्यों बजा क्या होगा। उससे पहले हदीस सुन लो कि ये जो ऐसा अकीदा रखते हैं, इमाम सफर आ गया अब मुसर शुरू हो गए, अकीदा ऐसे रखते हैं तो उनके लिए क्या हदीस इस पर बुखारी शरीफ की जिक्र कर रहा हूं, बुखारी शरीफ अल्लाह सुभान व तआला जिस हदीस कुदसी कहते हैं, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بخاري में قال الله تعالى अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, यूदीनी इब्न आदम, इंसान मुझे तकलीफ देता है, कौन करा है अल्लाह ताला, इंसान मुझे तकलीफ देता है, तकलीफ पहुंचाता है मुझे अल्लाह ताला, वो क्या तकलीफ मुझे बोलो आप बताओ। अल्लाह को हमारे को उसके उठे जिस से पाक अल्लाह की जात, हमारे को जो है अगर मान लो कि हमारे को जो है कोई ठोकर लग जाए वो निकल जाए तो हम तकलीफ महसूस करते हैं, महसूस हम करते हैं, हम महसूस करते हैं, उसकी जात पाक है, बेनियाज है, अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह क्या होता है नाराज होता है, उसके गजब को हम ललकार रहे हैं। इब्न आदम मुझे तकलीफ देता है, फिर अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाता है क्यों, यसुब्बुद्दहर अनद्दहर युकल्लिबुल लैल व नहार, क्या कहता है जमाने को गालियां देकर मुझे तकलीफ पहुंचाता है, जमाने को गालियां देकर, और जमाना बनाने वाला खुद मैं हूं, जमाना बनाने वाला मैं खुद हूं, दिनों रात को फेरने वाला मैं हूं। तो अब हम कहते हैं कितना बुरा जमाना आ गया, कितना बुरा जमाना आ गया, तो देखिए बोलते कितना बुरा जमाना आ गया। तो अगर इस तरह ये बुरा जमाना आ गया उसको गालियां दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो गोया अल्लाह सुभान व तआला को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह कहता है मुझे तकलीफ होती है, जमाना बनाने वाला मैं, रात को ले आने वाला मैं, दिन को ले आने वाला मैं, फिर मेरी रात को बुरा भला कहे, मेरे दिन को बुरा भला कहे, मेरे ही जमीन पर रहते हुए, मेरा ही खाते हुए, मुझे गालियां मारते हुए, फिर मुझे बुरा भला कहते हो, जमाने को बुरा भला कहते हो। तो याद रखो मेरे भाइयों, अगर हम किसी चीज को मनहूस कहते हैं, ये माहे सफर मनहूस हो गया, तो गोया अल्लाह सुभान व तआला को तकलीफ दे रहे हैं। पैसा पीता हरगिज नहीं रखनी, बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुनाया हूं। अब रहा तीन चीजों का तस्करा, तीन चीजों से वास्ता आदमी बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा घर के बगैर गुजारा नहीं, घर में रहना रोड पे तो नहीं सो सकता, रोड पे तो सुनी ही नहीं जा सकता, घर से ताल्लुक उसका जुड़ा हुआ रहता है, एक बीवी से ताल्लुक उसके बगैर वो भी जिंदगी गुजारना महान है। खैर बाहर सफर करने के लिए सवारी जरूरी है, तीन चीजों का ताल्लुक इंसान से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन तीन चीजों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। ये तीन चीजों से इंसान को जो वाबस्तगी होती है बहुत ज्यादा, उन चीजों में ही नहीं है नुसरत, तो फिर दूसरे चीजों में क्यों मानते हो दुनिया वाले। दीन तीन चीजों में ज्यादा ताल्लुक तुम्हारा है, बीवी से ताल्लुक तुम्हारा है, घर से ज्यादा ताल्लुक तुम्हारा है, घर से ज्यादा ताल्लुक तुम्हारा है, इसी तरह सवाल से ज्यादा तो तुम्हारा ताल्लुक है। जब उसने ही नहीं रखा तो फिर दूसरे चीजों में कैसे तस्लीम कर लेते हो। यहां हदीस जी, और ये जो बातें हैं याद रखो, ये जो जो बातें हैं ये जाहिलियत की बातें हैं, जाहिलियत में ज्यादा इन तीन चीजों के अंदर मनहूस समझते थे, मनहूस जानते थे, बल्कि जानते हैं जाहिलियत की बात होता अगर शोर पड़ गया तो जिंदगी का मामला इसी रहना, तो मेंगनिया होते गोबर मेंगनिया।
अब वो सुना के बैठो तो बहुत ज्यादा दुख जाएगा उसके अंदर, वो चाहेंगे तो तभी हम उनको उधर जाने, यहाँ जो तरीका है वो बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी, वालिद भी चाहता है कि अच्छी बहू आ जाए और माँ भी चाहती है कि अच्छी बहू आ जाए। इंतखाब बड़ी तलाक से बात होता है, हमारा इंतखाब तो ऐसा इंतखाब है, हम दीन को नहीं देखते पहले, इस्लाम ये तालीम से वाकिफ है या नहीं देखते, हम तो उसके पास दौलत है या नहीं देखते, हम उसके पास गोरापन है या नहीं उस चीज को देखते हैं। अब उसके बाद जिस दिन वो आ गई घर में आ गई, बाल हजरात के बारे में बता रहा हूं, अपनी दान हो चुका है और समझते हैं, यकीन जानते हैं, इस पर यकीन भी रखते हैं, उनको बताना चाहता हूं मैं आपको, यकीन रखते हैं, उन्हें आ गई, मान लो कि बेटे की नौकरी सऊदी में काम कर रहा था छूट गई, मान लो कि थोड़ा नुकसान हो गया, मान लो कि कारोबार लॉकडाउन हो गया, तो उस तारीख से शुरू होता है जिस दिन से दुल्हन आई है, उसके पैर मनहूस है, उसके कदम मनहूस है, या मनहूस है, जब से आई है हमारा घर बर्बाद हो गया, हो रहा है हमारा पीता याद रखो, कुछ घरों में है ये नहीं है, वो बेचारी घर में रहने वाली नहीं दुल्हन, नहीं बच्ची जैसे घर में आती है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, सास उसको नहीं पोसती है, सास कहती है जब से तू आई है मनहूस है, इतना बोलते हैं, इतनी सास बोल बोल कर वो शोहर का घर खराब हो जाता है, अब शोहर सुन लो अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ होती है, क्यों ना रहे हो बच्चे
बच्ची को, निकाह क्यों कर रहे हो? झाड़ू मारने के लिए, गालियां देने के लिए? और हमारी फिक्र ये होती है वो औरतों की, अरे हम कभी वो औरतें होती है वो बच्ची आने के बाद कैसे हम झाड़ू मारने लगाए उनको, अच्छी फिक्र है नहीं, बहुत अच्छी फिक्र है। अगर याद रखो तुम्हारा अकीदा सैयद जादी से अगर निकाह करोगे तो तुम्हारे लिए और दौलत के रास्ते, मेहनत के रास्ते खुले रहेंगे, दौलत के रास्ते, दुनिया के रास्ते, आखिरत के रास्ता, आखिरत का बेहतरीन रास्ता खुल जाएगा, यह समझकर तुम्हारा अकीदा पाक कर लो, वरना नहीं तो हम बदतमीज के अंदर फंसते चले जा रहे हैं, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ये तो वादे बताया हूँ, इंशाल्लाह अजीज आएगा तो ये तेरा तारीख आने वाली है, क्या करना है जब इंशाल्लाह अजीज आएगा माहे सफर की तेरा तारीख, अभी समझते मैं क्या करना हूँ जब बताऊँ इंशाल्लाह अजीज। मेरे भाइयों पहले अच्छी तरह याद रखो कि कोई महिला मनहूस नहीं होता, कोई महिला मनहूस नहीं होता, ये चंद बातें आप हजरात के सामने पेश किया हूँ, इंशाल्लाह अजीज आएंगा जो होगा हमारे